अभी तक परमिशन लेकर आया क्यों नहीं? मैं किट्टी को बहुत मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। अरे वो आ गया, गोली किट्टी को लेके आ गया किट्टी। बता बता, गुड न्यूज़ बता। अरे गुड न्यूज़ नहीं है टप्पू, बैड न्यूज़ है। क्या क्या? मम्मी पापा ने किट्टी को घर पे रखने से मना कर दिया। क्यों? वो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब घर गया ना तब किट्टी को देख के सारे पेशेंट्स डर गए। पापा ने कहा कि हम घर पे कोई पेट नहीं रख सकते, क्या पता पेशेंट्स डर जाए। ओ तेरे, वो यहाँ इसे कहाँ रखेंगे? हम हमारी किट्टी के लिए कोई भी जगह नहीं ढूंढ पाए। तो इस किट्टी को घर पे रखना इम्पॉसिबल है। कोई तो की करे, अपनी किट्टी को रास्ते पर छोड़ दे। ए? नहीं 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 फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमारी किट्टी कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी फ्रेंड। ए सोनू, लेकिन कहाँ? मेहता अंकल, मेहता अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किट्टी को। हाँ। नहीं नहीं नहीं, उनके घर पे खाने का बहुत प्रॉब्लम है। अंजलि आंटी अगर किट्टी को करेला लौकी खिलाएंगे तो किट्टी को थोड़ी अच्छा लगेगा, वो थोड़ी डाइट फूड खाती है। हाँ बेचारे मेहता अंकल वो डाइट को हैंडल नहीं कर पाते, हमारी प्यारी किट्टी कैसे हैंडल करेगी? और क्या पता डाइट फूड से परेशान होकर अपनी किट्टी खुद सामने से भाग जाए। एक काम करते हैं, हम किट्टी को अय्यर अंकल के घर ले जाते हैं। हाँ हाँ। नहीं 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 फ्रेंड्स, वो लोग नहीं रखेंगे किट्टी को। क्यों क्यों? अरे वो एक्चुअली बबीता आंटी का ऐसा मानना है कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन होता है। बिल्ली उनका रास्ता काट जाए ना तो पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकलता है। क्या गोली, कुछ भी बोल रहा है। सच कह रहा हूँ। तुझे कैसे पता? अरे मैंने मेरी आंखों से ऐसा होता हुआ देखा है। तूने कब देखा? अरे अभी कुछ दिन पहले मैं घर से बाहर जा रहा था ना। अरे आज तो चमत्कार हो गया, साक्षात रिक्शा स्वयं सामने से मिल गई। वरना रोज तो खुली सड़क पे कड़ी धूप में, धोधमार बारिश में, कड़कड़ती ठंड में रिक्शा 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 अंधेरी का जाप करने पर भी रिक्शा नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग जेड अंकल। अरे गुड मॉर्निंग गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। रिक्शा नो नो रिक्शा नो नो। क्या कर रहे जेट अंकल? अरे रिक्शा पहले मैंने देखी थी। देखने से क्या होता है, आवाज पहले मैंने लगाई थी और जो पहले आवाज लगा था रिक्शा उसी की हो जाती है। गोली बेटा, अरे समझ दोस्त, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है भाई। तुझे थोड़ी काम पे जाना है तो बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना भाई, प्लीज। नहीं ले सकता। क्यों? जेठा अंकल मुझे भी काम है, मुझे भी लेट हो रहा है। तूने क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के होटल में नौकरी ले ली क्या? नौकरी? मैं नौकरी क्यों करूंगा, मैं तो खुद की होटल खोलूंगा। और फिर उसे मौके लाई खाएगा। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है, मैं चलूं? नहीं 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 गोली बेटा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दे प्लीज। मुझे भी लेट हो रहा है। अरे कहाँ जाना है तुझे? पूजा करने। अरे सोसाइटी के मंदिर तक तू चल के नहीं जा सकता? और वैसे भी गार्डन के गेट के अंदर तो रिक्शा जा नहीं सकती ना, इतना तू नहीं चल सकता। जेठा अंकल वो मंदिर वाली पूजा करने नहीं जाना है। तो वो राजू स्नैक्स ठेले वाला है ना, वहाँ पेट पूजा करने जाना है। अरे बेटा तो ठेला तो पूरा दिन चालू रहता है ना, 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जेठा अंकल वो राजू स्नैक्स वाला है ना, वो इसी टाइम पे गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाता है। भी लेट जाऊंगा तो वड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर खाने में मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। अरे वो तो तू उसको बोलेगा तो फिर से गर्म करके दे देगा बेटा। नहीं वो रीफ्राई हेल्दी नहीं है। अच्छा तेरा ये ठेले वाला तो यहीं के आसपास में ही होगा ना? हाँ MG रोड पे। हाँ तो चल मैं तुझे दुकान जाते जाते उतरते जाता हूँ, चल। हाँ ये मस्त आइडिया है, परफेक्ट परफेक्ट, चलिए चलिए चल। यस। अरे নারী আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে কাজের জন্য। আরে গুড মর্নিং ববিতা জি। গুড মর্নিং জেঠা জি। আমি তোকে পরে ফোন করছি, ওকে বাই। আপ কে যা রহে হ্যায়? হ্যাঁ ও আইয়ের কে লিয়ে ইম্পর্টেন্ট কোরিয়ার কে লিয়ে বাহার যা রহি হু। হ্যাঁ তো আইয়ে, মই আপকো ছোড় দেতা হু, আইয়ে।
Oh wow, that will be really great. Thank you so much. आइए. Sorry, बबीता आंटी, ये रिक्शा फुल है. जेठा अंकल के साथ मैं जा रहा हूँ. अरे फुल क्या है बेटा, हम तो दो ही है ना, और रिक्शा में तीन जन तो जा ही सकते हैं. आइए बबीता जी. तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा, आप है? क्या मतलब? अभी पीछे दो मोटे लोग बैठेंगे. मोटा होगा तू. जेठा अंकल, मेरे कहने का मतलब है कि दो हेल्दी लोग, दो हट्टे कट्टे लोग पीछे बैठेंगे तो रिक्शा फुल हो जाएगी ना. तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा, बबीता आंटी? गोली. इट्स ओके, कोई बात नहीं, वे दूसरा रिक्शा ले लो. अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी आप. हाँ बबीता आंटी, आप आ जाइए, रिक्शा में बैठिए. वाह वाह बेटा, वाह, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश. देखा देखा बबीता जी, नहीं हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों की एक बात तो कहनी पड़ेगी, कितना सुशील और समझदार है ये. आजा बेटा बाहर आजा, बबीता जी को बैठने दे, आजा. ए जेठा अंकल, मेरा कहने का मतलब था कि बबीता आंटी और मैं रिक्शा में जाते, आप दूसरी रिक्शा ढूंढ लीजिए ना बाहर से. बोली बेटा मस्ती नहीं हुँ? देखो मुझे और बबीता जी को जरूरी काम से बाहर जाना है, और तुझे तो वड़ा पाव खाने जाना है ना बेटा, तो तू बाहर से दूसरी रिक्शा ले लेना बेटा, हमको लेट हो रहा है बेटा. अरे जेठा अंकल. Excuse me. हाँ यार बोलो बोलो. गुली बेटा देख, अगर तू ये रिक्शा छोड़ देगा ना, मैं तुझे 200 रुपया दूंगा. जेठा अंकल आप मुझे रिश्वत दे रहे? नहीं, नहीं बेटा, मैं तो प्यार से दे रहा हूँ. मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ क्या नहीं है? और तेरे दोस्त का पापा हूँ क्या नहीं, उस नाते है? नहीं नहीं देख, देख मेरी बात तो सुन बेटा, 200 नहीं मैं तुझे 300 दूंगा, 200 वड़ा पाव खाने का और 100 रुपया रिक्शा भाड़ा. सॉरी जेठा अंकल. अभी मना मत करना, अभी अगर मना किया ना तुझे वड़ा पाव की कसम. अपने वड़ा पाव की कसम देके मजबूर कर दिया. सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा. हाँ बेटा ले ले बेटा, 100, 200, 300 ले. हाँ जा 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 चला जा, आ जा. जेठा जी आप और गोली निकलिए, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती. अरे नहीं गोली मान गया बबीता जी, मान गया गोली. हाँ आइए बबीता आंटी, आप बैठिए, मैं बाहर से दूसरी रिक्शा कर लूंगा. ओके थैंक यू सो मच गोली, थैंक यू. आइए बबीता जी बैठिए. जेठा जी आप बैठ जाइए, मुझे पहले उतरना है ना. अरे हाँ बराबर. ओके ठीक, थैंक यू सो मच गोली, नो प्रॉब्लम. आइए आइए बबीता जी आइए. क्या हुआ बबीता जी? क्या हुआ बबीता आंटी? बिल्ली ने रास्ता काटा. तो? अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी. अरे ऐसा थोड़ी होता है बबीता जी, तो बिल्ली भी किसी काम से जा रही होगी, तो बिल्ली के पहले अगर हम निकल गए होते तो बिल्ली क्या यह सोचती कि अरे इन लोगों ने मेरा रास्ता काट दिया, मैं भी काम से जा रही थी, अभी मैं काम पे नहीं जाऊंगी, मैं वापस घर जाती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है. I know that, पर जब भी बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी. अरे लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे तो फिर एक कुरियर रह जाएगा ना. एक मिनट, एक काम कीजिए ना जेठा अंकल, आप बाहर ही जा रहे हैं ना, तो आप बाहर जाते जाते बबीता आंटी का कुरियर कर दीजिए. अरे हाँ जेठा जी आप कर देंगे प्लीज? अरे हाँ ऑब्वियसली, कुरियर करने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो कर ही देंगे जेठा अंकल. क्यों जेठा अंकल? हाँ हाँ हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है. हाँ अरे थैंक यू सो मच जेठा जी. ओके ओके जेठा अंकल आपके 300 रुपए. क्या मजाक कर रहे तू भी, चल भाई चलो क्या. ओके बाय बबीता, चलो चलो भाई चलो, क्या खड़े हो जाए, चलो 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 चलो. ओके बाय 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 गोली, थैंक यू सो मच. बाय बबीता आंटी. वाह 300 रुपए है ना,
अब वड़ा पाव के जगह पे पिज्जा खाता हो। अरे उस दिन मैंने इतना बड़ा पिज्जा फ्री में खाया था ना, इसलिए मुझे बबीता आंटी की ये बात एकदम ध्यान से याद है। अरे लेकिन ये बात तो गलत है ना, वैसे हम इंसान भी बिल्लियों का रास्ता कितनी बार काटते हैं, तो वो उनके लिए भी अपशगुन हो सकते हैं ना, वो कोई नहीं सोचता। तो छोड़ो ना फ्रेंड्स, सबकी सोच अलग अलग होती है और सबकी शगुन अपशगुन को लेकर अपनी अपनी मान्यता है। अब ऐसे हम किसी की मान्यता पर सवाल तो नहीं उठा सकते ना। वो अब्दुल भाई के दुकान पे अपनी किटी को रख देते ना। नहीं नहीं, अब्दुल भाई तो रात में दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो फिर उस वक्त हमारी किटी का ख्याल कौन रखेगा? ओए यार, अब्दुल भाई की दुकान का भी ऑप्शन कैंसल। कैंसल? ओए, पोपट अंकल के घर पे रख देते ना अपनी किटी को, ऐसे भी वो अकेले हैं, तो उनको भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ, पोपट अंकल के घर पे रख सकते हैं। पोपट अंकल मान गए ना तो किटी को हमेशा के लिए घर मिल जाएगा। हाँ, और पोपट अंकल का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। Exactly. हाँ, और पोपट अंकल के घर तो हम किटी को कभी भी मिल सकते हैं बिना किसी डर के। चल सुनो, पोपट अंकल से बात करके आते हैं। हाँ चल। लेकिन फ्रेंड्स, पोपट अंकल को डायरेक्टली मत बताना हमारे पास एक बिल्ली है। हाँ, मालूम पड़ा उनको पालतू जानवर पसंद नहीं है, तो अपना प्लान अपने पे मारी पड़ जाएगा, बवाल हो जाएगा जी। हाँ नहीं नहीं, डोंट वरी, हम पोपट अंकल को घुमा फिरा के पूछेंगे कि उन्हें बिल्लियाँ पसंद है कि नहीं। हाँ हाँ, चल टप्पू। हाँ। किटी, हम अभी आए। सर, ये प्लान सक्सेसफुल हो गया ना तो तू हमारे साथ ही रहेगी 24 घंटे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर के एक दो काम निपटा के बस पहुंच ही रहा हूँ, बाय। हाय पोपट अंकल। हेलो पोपट अंकल। टप्पू, सोनू, आप लोग, आप दोनों अकेले हैं? मेरा मतलब है बाकी के टप्पू से ना का? वो एक्चुअली सब लोग बिजी हैं। हम लोग ऐसे आपसे मिलने आ गए। अरे बहुत अच्छा किया भाई। हाँ वाह वाह, बैठ सुनो। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, बहुत अच्छा किया। बैठो बैठो बैठो, अगली बार आओ तो पूरी टप्पू सेना को साथ में लेकर आना। हाँ, ओके ओके। अरे काम करते ना, इस सैटरडे को मेरे घर पर पिज्जा पार्टी करते हैं, चलेगा? अरे पोपट अंकल चलेगा क्या, दौड़ेगा? बच्चों, आप लोग आ जाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता हूँ, वरना मेरा जीवन रेगिस्तान की तरह सूखा है। इंसान अकेला हो ना तो जीवन का हर मेला सोना सोना लगता है। वाह, मतलब आपने क्या गहरी बात बोली पोपट अंकल। पोपट अंकल, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास एक मस्त आइडिया है। अरे मुझे आइडिया है, तुम किस आइडिया की बात कर रही हो? और तुम्हारे इस आइडिया का आइडिया मेरे पास कई सालों से है, लेकिन आइडिया सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि आप किस आइडिया की बात कर रहे हो। टप्पू, तुझे आइडिया है? नहीं सुनो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि पोपट अंकल किस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोग शादी की बात कर रहे हो ना, आप लोग शादी का ही आइडिया देने वाले थे ना मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, पोपट अंकल, हम आपको दूसरा आइडिया देने वाले थे। दूसरा आइडिया? कहीं आप लोग मुझे बाल ब्रह्मचारी बन के किसी शिविर में जाने का आइडिया तो नहीं देने वाले हो ना? नहीं 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 नहीं, पोपट अंकल, ये जो आइडिया है ना, एकदम हटके आइडिया है, इससे आपका अकेलापन और घर का खालीपन दोनों दूर हो जाएंगे। अच्छा? अरे वाह, तो फिर जल्दी बताओ आइडिया क्या है। पोपट अंकल, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आप कोई क्यूट सा पेट क्यों नहीं पाल लेते? हाँ, अरे पाल तो लो, लेकिन उससे होगा क्या? अरे वो पूरा दिन आपके साथ टाइम बिताएगा, खेलेगा, और जब आप ऑफिस जाओगे तब वो निराश हो जाएगा और पूरा दिन आपके घर आने का इंतजार भी करेगा। और तो और, आप जब घर आओगे तो आपका खुशी से स्वागत भी करेगा। जब आप थके हारे काम करके घर पे आओगे तो आपको भी उससे मिलने की एक्साइटमेंट रहेगी पोपट अंकल। हाँ, वो रहेगा तो घर आने का मन भी करेगा। और पोपट अंकल, जनरली ना जिनके पास पेट होता है ना, उससे लोग जल्दी इंप्रेस भी हो जाते हैं। है ना? हो सकता है इसी से कोई सुकन्या इंप्रेस होकर मुझे शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ पोपट अंकल, चांसेस तो है। हाँ, बहुत सारे चांसेस है। हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं किसको पालूं? बिल्ली।
आप बिल्ली पाल लीजिए पोपट अंकल। अरे हाँ, बिल्ली तो मुझे भी बहुत पसंद है। परफेक्ट। लेकिन एक मिनट, कई लड़कियां ऐसी होती है ना जो बिल्लियों से डरती है, उन्हें पसंद नहीं करती। कई इसी कारण की वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। तो नहीं नहीं, ये आइडिया रहने देते हैं। पोपट अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हुआ तो समझो, मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पेट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? पोपट अंकल, पॉजिटिव रहिए आप। पॉजिटिव नहीं, प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। और बच्चों, मेरा रिपोर्टिंग का काम है, कभी भी कहीं भी बाहर जाना पड़ सकता है। कभी कभी तो 10-12 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ। और ऐसा हुआ तो बेचारे उस मासूम पेट का ध्यान कौन रखेगा? टप्पू सना। हाँ, हम है ना, हम रखेंगे बिल्ली का ध्यान। उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, वॉक पे ले जाएंगे, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ। अपने स्वार्थ के लिए पेट मैं पालूं और उसको संभालने का जिम्मा किसी और को दूं, ये तो स्वार्थीपना हुआ ना। अरे पोपट अंकल, इसमें क्या स्वार्थीपना? हम है ना टप्पू सना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ख्याल रखेंगे उसका। उल्टा हमें तो बिल्ली का ख्याल रखने में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मगर पोपट अंकल, हम बच्चों, मेरे जीवन का उसूल है कि जिम्मेदारी तब उठाओ जब उसे पूरी तरह निभा सको, वरना मत उठाओ। इसलिए पैट का आइडिया कैंसल। लेकिन बच्चों, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने पोपट अंकल के बारे में ये सोचा, और बहुत अच्छा सोचा। थैंक यू। अरे ऑफ कोर्स पोपट अंकल, हम सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, आप हमारे फेवरेट अंकल हो। टप्पू चले? हाँ चलिए पोपट अंकल, हम चलते हैं। हाँ चलो चलो, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, लेकिन सैटरडे को पिज्जा पार्टी के लिए मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड डे। बहुत लेट हो गया। गोगी, तेरे पास चाबी वाले का नंबर है ना? अरे है ना गोली, तुझे किसके घर की चाबी बनानी है? किटी। पोपट अंकल के घर की। तो क्या है कि किटी जब पोपट अंकल के घर जाएगी तो इसे बार बार मिलने का मन करेगा ना, तो लोग बार बार जाएंगे, पोपट अंकल के घर की बेल बजाएंगे, तो क्या घड़ी घड़ी बेल मारेंगे तो पोपट अंकल को डिस्टर्ब होगा, वो परेशान होंगे ना, तो पोपट अंकल गुस्सा हो जाएंगे। उससे अच्छा एक चाबी बना लेते ना उनके घर की, तो क्या कंफर्टेबली उनके घर पे जा पाएंगे। अरे गोली, पहले गुड न्यूज तो आने दे, जमीन मिलने से पहले घर क्यों बांध रहा है? हाँ गोली, क्या कुछ भी बात कर रहा है तू। अरे नहीं यार, तू देखना, इस किटी को देख के तुरंत ही पोपट अंकल उसके प्यार में पड़ जाएंगे। अरे क्या बोला पोपट अंकल ने? पोपट अंकल ने किटी को अपने घर पे रखने से मना कर दिया है। क्या, क्यों? अरे पिंकू, वो पत्रकार है और आधे से ज्यादा टाइम तो वो बाहर ही रहते काम की वजह से, और उन्हें बस एक ही टेंशन है कि जब वो घर से बाहर जाएंगे तब इस किटी का ध्यान कौन रखेगा। अरे तो बोल देते ना उनको, हम किटी का ध्यान रख लेते। बोली, हमने सब बोला, हर तरीके से समझाया, पर कोई फायदा नहीं है, उन्होंने मना ही किया है। अरे यार, अब सबका नाम तो कैंसिल हो गया, बेचारी किटी को कहीं भी नहीं रख सकते। किटी, वी आर सो सॉरी, हम तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा सा घर नहीं ढूंढ पाए। लगता है किटी को जहां से लाए थे वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। किटी तो गुस्सा होकर चली गई। किटी, किटी, अरे बाप रे, गोकुल धाम में हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। अरे भाई, बिल्ली भाग गई है, निकल गई है क्लब हाउस से। टप्पू सेना ने बहुत कोशिश की क्लब हाउस में रखने की बिल्ली को, और रखना पड़ा उन्हें, क्योंकि कोई भी अपने घर में रखने को तैयार ही नहीं था ना। किसी को एलर्जी, कोई डरता है बिल्ली से, तो कोई बिल्ली से जुड़े शगुन अपशगुन में मानता है। अब क्या करे टप्पू सेना, टप्पू सेना के हाथ से तो निकल गई बिल्ली, अब क्या होगा? अगर ये बिल्ली इस हालत में गोकुलधाम निवासियों के सामने आ गई तो आपको क्या लगता है, हंगामा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, जबरदस्त होगा। टप्पू सेना ने बहुत कोशिश की कि बिल्ली को छिपाने की ये पोल न खुले, लेकिन यहाँ तो पोल मतलब बिल्ली खुद ही निकल गई। अब क्या होगा आगे, मुझे लगता है बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अगर ये बिल्ली गोकुलधाम निवासियों के सामने आ गई तो फिर यहाँ पे तो हंगामा बरपा होगा। किस तरह से होगा ये जानने के लिए आप जरूर देखिए तारक मेहता का चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.